अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको पैंट पजामे की कटिंग करना सिखा रही हूँ और ये मेरी यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कैपरी जो बनाते हैं उसकी बैक साइड जो है 2 इंच फ्रंट से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। आपने अगर फ्रंट जो आपकी वो 38 होनी चाहिए और जो बैक है वो 14 इंच होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ देना है, इलास्टिक के लिए छोड़ के और इलास्टिक से छोड़ के आपने नीचे 13 इंच लंबाई रखनी है और 13 इंच ही आपने चौड़ाई रखनी है। 1 इंच इधर से ज़रूर आपने निशान लगा लेना एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेम जो निशान लगाया वहाँ सेम और 13 इंच को दोनों को हाफ करना है तो 6.5 आता है। इसी तरह आपने यहाँ से टोटल ले लेना है, टोटल ये बनता है 14 इंच, तो 14 का हाफ बनता है 7.5। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना उसका हाफ करके और फिर आपने स्केल की मदद से इसकी लाइन फुल खींच लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला कर्व में आपने स्केल ले लेना है, स्केल लेना है तो इसको यहाँ को इसको इसके साथ मिला देना है, ये जो इंच का हमने निशान लगाया था। उसके बाद आपने स्केल का ये साइड चेंज करनी है, जो नीचे हमने निशान लगाया था उसको उसके साथ मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2-2 इंच जो है ना बैक साइड जो 2 इंच आपने ज़्यादा रखनी है, सारी आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ से भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ से भी 2 इंच और उसी फिर जैसे आपने फ्रंट के निशान लगाए थे वैसे ही आपने बैक के निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, ये जो यहाँ पे निशान लगाया उसके ऊपर रख के आपने ये कटिंग कर देनी है। ये सारी आपने एंड तक इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेनी है, इसको दोनों को सेपरेट कर लेना है ऐसे। और ये जो फ्रंट का हमने निशान लगाया उधर से उधर तक आपने लगाना है निशान, ये आपने पहले फ्रंट कटिंग की ये सारी यहाँ तक, ठीक है। ये जैसे आपने निशान लगाया था सेम वैसे ही आपने कटिंग करते जाना है। ये ठीक है। उसके बाद आपने करना है क्या, इसको बैक वाली साइड को, बैक वाली साइड जो आपने निशान लगाया था हमने 2-2 इंच का वहां तक हमने उसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह हम इसकी स्टिचिंग भी सिखाएंगे।